पंजाबी एकता पार्टी के मुखी सुखपाल खेरा अज अमृतसर पुजे ने। दरअसल मामला युवापा कानून को लैके है, जिन्होंने लैके उन्होंने आख्या कि पंजाब सरकार नौजवानों नाल धक्केशाही कर रही है और नौजवानों पर नजायज़ परचे खालिस्तान के नाम से दर्ज किए जा रहे हैं। तुसीं देख सकते हो कि अज सारे पीड़ित परिवारों को लैके अज वो श्री अकाल तख्त साहब पुजे ने, जिथे उन्होंने एक मंग पत्र भी जथेदार श्री अकाल तख्त साहब को दिता जा रहा है। तो नाल ये मंग की जा रही है कि जिस कानून पूरे मुल्क दे विच कांग्रेस विरोध कर रही है, पर उसे ही कानून का इत्थे पंजाब सरकार जरा पालन कर रही है तो उन्होंने ठीक दस रही है, जिन्होंने लैके अज उन्हों वालों तुम वेख सकते हो कि एक प्रोटेस्ट जरा है तस्वीर लैके ये नौजवान ने जिहड़े कि युवापा एक्ट के तहत किसी ना किसी परचे का शिकार होए ने। तो उस तो बाद जो है अज इत्थे सरदार सुखपाल सिंह खेरा पीड़ित परिवारों के नाल इत्थे पुजे ने, अज असी उन्होंने गलबात करांगे। सब तो पहले असी तुहानूं तस्वीर दिखा रहे उन्होंने परिवारों दीआं कि जिहड़े लोग जिहड़े नौजवान पंजाब दे विच अरैसट होए ने। पुलिस का तर्क है कि ये लोग कोई आतंकवादी मूवमेंट चलाना चाहते थे, लेकिन सरदार सुखपाल सिंह खेरा का कहना है कि ये एक बेकसूर है। सुखपाल खेरा साडे नाल मौजूद ने। खेरा साहब, अज सारे परिवारों को लैके तुसीं इत्थे पुजे हो, की मकसद की है? क्योंकि पंजाब की सरकार ना गवर्नर साहब मिल रहे हैं इस पेंडेमिक के करके, चीफ मिनिस्टर साहब को बड़ा मेमोरेंडम भी भेजता, चिट्ठी भी लिखती, वो अवेलेबल नहीं गए। होर असी किस को जाना सीगा? फिर असी सोचा कि ये एक कौमी मसला भी है पंजाब का, क्योंकि जेडे बंद बेगुला ये सारे गरीब ने, यह सारे ज़्यादा दलित भाईचारे के ने, यह सारे बेचारे दिहाड़ीदार ने, यह सारे बेचारे बोलन तो भी आवाजार है। इन्हों के परचे दर्ज असी डॉक्टर गांधी तो साढ़े सत्कारयोग MLA साहब असी पहुँच की उन्हों तक, इन्हों इन्नी हिम्मत नहीं सी कि बाहर निकल के कह दें कि साढ़े नाल धक्का होया वा। और ये युवापा कानून का व्डे पद्धर पंजाब दुरउपयोग किया जा रहा वा। 16 मुकदमे FIR पिछले चंद दिनों SFJ के 2020 रेफरेंडम की आड़ में, खालिस्तान की आड़ इन्हों नौजवानों पहला फड़ते कितों ने, तो नाके के अरैसट कितों दिखाते हैं। और टिपिकल FIR आ कि साजिशा रच रहे सी, एक फिरके दे लोगों को टारगेट कर रहे सी, वोट बैंक पॉलिटिक्स हो रही है अपनी नाकामियां नू फेलियर्स नू ढकण वास्ते। की है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह पिछों भी एक फौजी ने ते अपने नू नैशनलिस्ट अखवांदे ने, पर इस तरह का देखो कैप्टन साहब की जिहड़ी पार्टी है ना कांग्रेस, ये मैटर ऑफ रिकॉर्ड है सुमीत जी कि पी चिदम्बरम ने लोक राज्यसभा च इहदा विरोध किया इस काले कानून का। कपिल सिब्बल सब नों वड्डे लॉयर ते कांग्रेस दे लीडर ने, उन्होंने आर्टिकल लिखा हिंदुस्तान टाइम्स हुणे 30 जून नू, उन्होंने युवापा नू ओपरेसिव काला कानून दस्सिया। कांग्रेस नू सारे पासे माड़ा लग रहा वा, ते कांग्रेस दा चीफ मिनिस्टर पंजाब दे विच 47 मुकदमे दर्ज किए ने 3 सालों च युवापा च, इहदे कदी किसी की जमानत नहीं हो सकती, अंदर ही मर जाएंगे कई। तो 16 मुकदमे हुण दर्ज किए ने, जिहदे दर्जना बंदियां नू परिवारां नू, आ तुसीं गरीब परिवार देख सकते हो, दर्जना परिवारां नू चुका। असीं तां केस स्टडी कीती आ, मैं हर पिंड विच आप गया वां बकायदा तौर ते, पिंडां च केस स्टडी करन तो कल्ले कल्ले परिवार नू, पिंड दे सरपंच सरपंच जिदा आ जिहड़ा सुखचैन है इहनू जदों चक्किया, इहदे पिंड दे पंचायत ने कहा, पिंड दी पंचायत ने कहा कि इहनू साडे कोलों लैके गए 26 जून नू, और कहिंदे जी असीं पुछगिछ करनी तुहानूं मुंडा मोड़ देंगे। 28 जून नू इहदा पता लग्गिया सुखचैन सिंह दा कि गाजेवास एक नाका सीगा समाणे दे विच, उत्थों एक पिस्तौल ते 7 कारतूसां समेत निकला। इट्स ऑल टॉक एंड बोल स्टोरी। सवाल है कि तुसीं मुद्दा चुक रहे हो, तुसीं परिवारां नू वी नाल लैके, परिवार वी तुहाडे नाल मौजूद ने, पर होर राजनीतिक पार्टियां कांग्रेस तों इलावा पंजाब च ने, श्रोमणी अकाली दल है, BJP है, आम आदमी पार्टी है, लोक इंसाफ पार्टी है। जिहड़ा आम आदमी जिहड़ा अकाली दल है ना, ये अपने एजेंडे तो भटक गया, ये काम साडा नहीं सीगा, ये अकाली दल का काम सीगा। जिहड़े कहिंदे कि असीं सिखां दी पार्टी आ, असीं पंथक पार्टी आ, असीं घट गिणतियां दे रखवाले आ, घट गिणतियां ही खड़ियां, ये गरीब ही खड़े आ, जदों अपने एजेंडे तो भटक गए ने। वो तो BJP दियां हर गलत नीतियां ते युवापा वर्गे कानूनां ते जम्मू कश्मीर तोड़न ते मोहरां लाई जांदे ने, ते आम आदमी पार्टी नूं मैं समझदा कि उन्हां नूं इस मुद्दे दी ना तां समझ आई आ, ते जां फिर उन्हां दी हाईकमांड इन्हां नूं आग्या नहीं दिंदी। भगवंत मान जी एक मिनट बाद लाइव हुंदे ने, उन्हां नूं जाणा चाहीदा सी। संगरूर जिले दा मरिया जिहड़ा दिखायो जी, लवप्रीत सुसाइड, आ संगरूर दा रत्ताखेड़ा पिंड है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन दा जिहड़ा दिड़बा हलका आ ना हरपाल चीमे दा, उहदे हलके दा पिंड आ, एक शब्द नहीं बोले, सिर्फ वह भी उदन घर गए जिदन पता लगे कि मैं रत्ते खेड़े जा रहा वा। इस करके भगवंत मान जी जो भी धक्का होता है कितने देश विदेश, तो बड़ी राजनीति, मेरा सवाल सुन लो पहले, बहुत ज़्यादा राजनीतिक पार्टियां बवाल चुकदी है, सिखां नाल इदा हो गया, अल्पसंख्यक समाज नाल इदा हो गया, घट गिनती नाल हो गया, लेकिन पंजाब तो एक अपना सूबा है, जो उत्थे इस तरह हो रहा है तो उसका फिर की हल की है? मेरे हिसाब नाल इह एक तो वोट बैंक पॉलिटिक्स है, इन्हां नूं मेरी गल सुन लो ना, वो ये समझते कि जे असी इन्हां गरीबां दे नाल आइडेंटिफाई हो गए, असी कट्टड़वादी सिख राजनीतिवान जाने जावांगे, असी ऐ लगूगा खालिस्तान ते 2020 की सपोर्ट कर रहे हैं, असी कोई सपोर्टर नहीं किसी दे,
असी तो सिर्फ बेइंसाफी के खिलाफ, मैं लगता उन्होंने डर लगता कि सानू देश विरोधी ना समझ सारिया पार्टियां या दिल्ली की हाकम या पंजाब की सरकार तो पंजाब दूजा मैं लगता डरते भी नहीं युवापा तो बिकॉज यू नो अगर ये बेजुबान ने फ्रेम कर सकती सरकार तो इस देश के जो आर टी आई एक्टिविस्ट अखिल गोगोई वर्गे नवलखा वर्गे ईवन इतों तक कि अंबेदकर साहब के पोते नहीं छड़िया आनंद टेंबल टोट को नाम है उन्होंने तो पोलीटिकल आदमी डरते हैं कि कल साढ़े से भी कित इस केस का दुरउपयोग करके साढ़े तो युवापा ना ला मतलब हिमायत होगी ना केंद्र सरकार की पंजाब सरकार 100% इकट्ठे काम कर रहे हैं आ जरा एन आई ए आ आ जो लवप्रीत मरिया जो मैं दिखा रहा तो सुसाइड की जिन्हें अंब साहब गुरुद्वारे एन आई ए ने सद्या सी पंजाब पुलिस उन्होंने सगो रोकना चाहिए वा कि तुसी और दो साल पुरानी एफ आई आर सुल्तान मिंड की अमृतसर की कि इतने जी खालिस्तान के पोस्टर लाते जिन्ना किसी का गुनाह उन्नी सज़ा दे दो असं नहीं कहते जे किसी ने साइबर कानून के उत्ते 2020 का रेफरेंडम लाइक किया उन्होंने साइबर लॉ के बुक कर दो युवापा वर्गे काले कानून जरा बनया ही बेसिकली हथियारबंद लड़ाई लड़ते हैं उन्होंने लोगों के वास्ते ये तो उपयोग करना गलत समझो कि अगर तुम पंथक जमात की गल आखते पे हो तो श्री अकाल तख्त साहब तो ये तो कोई कार्रवाई होएगी देखो होर असं जाइए कितने मैं समझो अकाल तख्त साहब जथेदार एटलीस्ट एक अथॉरिटी है एक इंस्टीट्यूशन है और कौम के वह मुखिया भी ने उन्हों का फर्ज बनता वा हूँ साढ़े मुलाकात तो बाद कि उन्होंने पंजाब सरकार ने गल करनी चाहिए उन्होंने दिल्ली की केंद्र की सरकार प्राइम मिनिस्टर ने गल करनी चाहिए कि यह लॉ पंजाब के मिसयूज़ हो रहा और यदि सारी असं जाँच मांगते हैं एक कहते हो केंद्र मेरा सवाल है जाँच से गल करा केंद्र सरकार भी तुम कहते इनवॉल्व है राज सरकार भी इनवॉल्व है तो फिर जाँच कि कराई जाएगी करिए इस सिस्टम के दसो ना कि जाँच चाहते न्यायिक जाँच असं चाहते जुडिशियल इनकुआरी कराई जाए असूलन तो हाई कोर्ट के मौजूदा जजा तो जाँच होनी चाहिए बहुत सीरीयस केस है बहुत बहुत सीरीयस केस है तो जे नहीं तो कैप्टन साहब को बेनती कि जस्टिस महताब सिंह गिल जो उन्होंने बदलाखोरी कमिशन बनाया कांग्रेस ने क्योंकि जो अमरिंदर सिंह विरोधी धिर में थे उन्होंने यही पुलिस बहुत माड़ी लगती थी ताइयों कमिशन बनाया ना कि साढ़े परचे कांग्रेसी वर्करों के 20,000 मुकदमा दर्ज किया झूठा हूँ उही पुलिस उन्होंने बहुत अच्छी लग रही अखा बंद करके उत्ते यकीन करी जाते जस्टिस महताब सिंह गिल तो कमिशन तो इनकुआरी करा देन मेरा दावा वा कि इन्हों मजोरिटी केसिस झूठे निकलेंगे आखिरी सवाल लाँगा कि तुम की समझते हो कि पहली गल खालिस्तान की मंग जायज है असी तो बिल्कुल कभी सपोर्ट ही नहीं की जी ना कभी रेफरेंडम की की सगों बच्चों पुश कर रही है सरकार जेड़े माड़ा मोटा सोशल मीडिया से किसी ने माड़ा जहा कमेंट भी करता टिक करता उन्होंने बुला के फिंगरप्रिंट्स गवर्नमेंट इज इनफैक्ट क्रिएटिंग टेररिस्ट आप ये अतवादी बना जा रही है अगर तुम इन्ना जुलम ढाओगे इन्ना धक्का करोगे तो तुम अतवादी बनाओगे ना तुम सारे पंजाब ने तुम मैं दस दो खालिस्तान की कि गल हैगी पंजाब की कि ज़्यादा मंग उठ रही है 2020 की नथिंग और असी बिल्कुल किसी इस तरह की वक्वादी गल सपोर्ट नहीं करते असं इस देश के दे न्यायिक सिस्टम के कॉन्स्टिट्यूशन अपनी मांग उठा रहे तो ये तुम देख सकते हो कि सुखपाल सिंह खहरा उन्होंने परिवार को लैके अज इतने पुजे ने तो उन्होंने वालों अज जड़ा है एक मांग की जा रही है कि यदि एक न्यायिक जाँच की जाए और जेडे परिवार ने वो भी अज इतने आए हैं हाथों तस्वीर लैके उन्होंने वालों एक प्रोटेस्ट किया जा रहा है एक तरह का एक मंग इंसाफ की मंग जी है जैदा श्री अकाल तख्त साहब तो की जा रही है कि इन पूरे मामलों की जाँच कराई जाए वह भी न्यायिक जाँच जिद कि सच सामने आए क्योंकि जिस काले कानून का विरोध देश भर के कांग्रेस वालों किया जा रहा है उत्थे ही पंजाब की कांग्रेस की सरकार ये हक के पंजाब के नौजवानों चुक के अतवादी लहर के जोड़ रही है जो कि सीधा पंजाबीयत नाल तक्का है तो ये करके हुण बर्दाश्त नहीं करेंगे तो आज उन्होंने जथेदार श्री अकाल तख्त साहब को एक मंग पत्र भी दिता गया है हुण देखना होगा अकाल तख्त साहब वालों इस मामले की कार्रवाई होंगी लेकिन फिलहाल युवापा एक्ट नूं लैके पंजाब दे विच जो सियासत पकी है जो मामला चल रहा है उन्होंने लैके श्री अकाल तख्त साहब के खेड़े एक शिकायत दी गई है कैमरामैन अक्षय सुमित खन्ना जगबाणी टीवी अमृतसर